हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जनरल बाय के स्टार केमिस्ट्री। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ठीक है, इसे ड्राइव करेंगे ईरिंग इक्वेशन। तो शुरू करते हैं। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट ईरिंग एंड पोलनाइ। दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को प्रपोज किया था। तो देखते हैं कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है, ए प्लस बी गिव्स एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहां पे क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है और उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या हो सकता है, आपका दोबारा से रिएक्टेंट है उनके अंदर भी जा सकता है, वापस ट्रांसफॉर्म हो सकता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड गिव्स और मे गिव्स प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट भी दे सकता है। तो जो इसका मेन पोस्टुलेट है वो यही कहता है कि जब आपके रिएक्टेंट्स के बीच में कोलिजन होगा तो कोलिजन की वजह से क्या होगा, एक अनस्टेबल ट्रांजिशन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। ये कैसा है, आपका ट्रांजिशन अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल ट्रांजिशन इंटरमीडिएट स्पीसीज। इसकी फॉर्मेशन होगी वो, जिसको हमने क्या नाम दिया है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नाम दिया है। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये क्या होगा, फर्दर डिकम्पोज होके जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन को करेगा। तो इस तरीके से जो हमारा मेन है, बेसिक्स है ईरिंग इक्वेशन का, वो ये है। तो यहां पे क्या होगा कि आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है उनके बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, और जो आपका ये है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, और जो उसका रेट होगा वो बहुत स्लो होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन का, वो इस इक्विलिब्रियम को क्या है, डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी स्लो, सो दैट इट कैन नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। लेट अस स्टार्ट कि अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो रेट कांस्टेंट है वो किसे दिया जाता है, के इज गिवन बाय आर टी अपॉन एन नोट एच के स्टार। देखो यहां पे हम स्टार टर्म्स का यूज करेंगे, स्टार टर्म किसके लिए यूज करेंगे, हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए यूज करेंगे। तो जो रेट कांस्टेंट है वो किसके बराबर होगा, आर टी अपॉन एन नोट एच इंटू के स्टार। आर नोट क्या है, आर क्या है, हमारा गैस कॉन्स्टेंट है, वेर आर इज गैस कॉन्स्टेंट। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है आपका, एंड एन नोट इज एवोगैड्रो नंबर, एंड एच इज स्मॉल एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, सी भी आएगा प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एंड के स्टार इज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहां पे आएगा, ये क्या है, हमारा के स्टार है, रेट कॉन्स्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास है। ठीक है, अब हमें पता है कि थर्मोडायनेमिक्स से ये जो K है, हम इस K की जगह वैल्यूज को पुट करने की कोशिश करेंगे। तो वी नो फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, हमने 12th में स्टडी किया होगा, बेसिक्स बहुत ज्यादा एडवांस नहीं यूज करेंगे लेकिन कुछ बेसिक्स आ यूज करेंगे। वी नो डेल्टा G इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर टी एल एन ऑफ के। ठीक है, कि चेंज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर टी एल एन ऑफ के। तो हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सो वी विल पुट स्टार ओवर हियर, डेल्टा जी स्टार इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर टी एल एन ऑफ के स्टार, ये हमारे पास आ जाता है। सो एल एन के विल बी इक्वल टू एल एन के स्टार विल बी इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन आर टी एंड नेगेटिव, बिकॉज दिस साइन कम्स हियर and this RT is in multiply on this side it becomes in divide, and for K, K star is equal to
ई टू दी पावर नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी स्टार, सॉरी हेयर ऑल्सो जी स्टार अपॉन आर टी। तो यहां से हमारे लिए जो के स्टार है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इस के स्टार की वैल्यू को हम कहां पे इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो जी स्टार यहां पे क्या था, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन, ठीक है, फ्री एनर्जी थी रिएक्शन की। और के स्टार क्या था, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है फॉर द सेम रिएक्शन। तो इसकी जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं यहां पे रेट कॉन्स्टेंट के अंदर, के इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन नोट एच ई टू द पावर नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी, हमारे पास ये आ जाता है। अब हमारे पास क्या है, जी स्टार की वैल्यू आ गई है। अब ये जी स्टार है, अब हम इस जी स्टार को भी रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम एक और थर्मोडायनेमिक जो आइडेंटिटी है उसको यूज करेंगे कि डेल्टा जी स्टार चेंज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच स्टार माइनस टी डेल्टा एस स्टार, वेयर जी स्टार इज चेंज इन फ्री एनर्जी और फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन, डेल्टा एस स्टार इज द एंथैल्पी चेंज एंड नेगेटिव ऑफ टेम्परेचर इनटू डेल्टा एस इज द चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी चेंज। तो ये इस इक्वेशन हमारे पास है। अब डेल्टा जी स्टार की वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो देखते हैं, देन द इक्वेशन बिकम्स के इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन नोट एच ई नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस स्टार नेगेटिव टी डेल्टा एस स्टार बाय आर टी। वाइल ओपनिंग द ब्रैकेट द इक्वेशन बिकम्स के इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन नोट एच ई नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच स्टार अपॉन आर टी इंटू ई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव टी डेल्टा एस स्टार अपॉन आर टी, के इजिकल टू आर टी अपॉन एन नोट एच ई नेगेटिव डेल्टा एच स्टार अपॉन आर टी इंटू टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन आती है इंटू ई टू द पावर डेल्टा एस स्टार अपॉन आर। हियर द आर एंड एन नोट आर द कॉन्स्टेंट सो वी विल रिप्लेस इट विद केस डैश, के डैश इज इक्वल टू आर अपॉन एन नोट एंड दिस के डैश इज द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कॉन्स्टेंट। So we replace this R upon N naught by K dash. Then the equation becomes K is equal to K dash T upon H e to the power negative of delta S star upon R T into e to the power delta S star by R. This equation is the R required equation or the equation we were deriving. That is Ehring equation. This equation is known as Ehring equation. Or this is known as Wien-Jones and Ehring equation. This is its another name. सिंपली इट इज नोन बाय द एरिंग इक्वेशन। तो दिस इज द इक्वेशन। अब अगर हम इसकी बात करें सिग्निफिकेंस की ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, सिग्निफिकेंस की बात करते हैं हम यहां पे, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हैं जो वो उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक ट्रांजिएंट स्पीसीज है, ठीक है, बहुत कम समय के लिए है। तो वहां पे क्या था, उसकी थर्मोडायनेमिक फंक्शन को एक्सप्लेन करना मुश्किल था या ना के बराबर था हमारे लिए। तो क्या है, हम अब रेट कॉन्स्टेंट है जो के, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी स्टार, ठीक है, डेल्टा जी स्टार की टर्म्स में हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या है, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है, रेट कॉन्स्टेंट
के ऑफ एनी रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय डेल्टा जी स्टार। ठीक है, ये हमने देख लिया था, ये इक्वेशन हमने पहले डेरिवेशन के दौरान स्टडी किया। इसके अलावा यहां पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या दिखाता है, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स हायर द फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, हायर द फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन स्लोअर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, स्लोअर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। कि नेगेटिव साइन ये है कि अगर जितना ज्यादा डेल्टा जी की वैल्यू होगी आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उतना ही क्या होगा, स्लो होगा, और इसका वाइस वर्सा। तो इस तरीके से जो हमने इसके दो सिग्निफिकेंस है उनको स्टडी किया है कि एक तो क्या है, के की जो वैल्यू हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं डेल्टा जी स्टार से, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन से, और दूसरा क्या है नेगेटिव जो साइन वो इंडिकेट करता है कि हायर द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन स्लोअर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज पुट अ